सो हे गाइस, व्हाट्सअप, स्वागत है हमारे इस चैनल में। सो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने पिछले वीडियो में जोमेटो का स्प्लैश स्क्रीन बनाना सीखा था। जस्ट बेसिक से स्टार्ट करा मैंने और ये सीरीज वाइज चल रहेगा, तो इस करके मैं हर एक चीज़ को डीपली लेके जाना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जोमेटो, ठीक है, यहाँ पे भी जोमेटो लिखा हुआ और यहाँ पे भी जोमेटो लिखा हुआ। सो ये देखने में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको ऊपर वाले जोमेटो को यानी कि ऊपर वाले एक्शन बार मेन्यू को हटाना है हमें। तो किस तरह से हटाना है, तो आपको ये एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन दिख रही होगी, इसी की मेन डॉट जावा फाइल में आएंगे। और ये हमने हैंडलर किस लिए बनाया था आपको पता ही है, सिंपली हमने स्प्लैश स्क्रीन को रन करने के लिए, जो कि 5 सेकेंड रन हुई थी। इसका टाइम मैं थोड़ा कम कर देना चाहता हूँ क्योंकि ये टाइम मुझे अच्छा नहीं लगा था इतना ज़्यादा, मतलब देर लग रहा था, थोड़ी देर बार खुल रहा था जो मेन एक्टिविटी जो इंटरफेस खुल रहा था। तो मैं इसे 4500 रखूँगा यानी कि 4.5 सेकेंड। अब सिंपली हमें हाइड करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, मैं इसे अलाइन कर देता हूँ एक बार। सो हाइड करने के लिए हमें यहाँ पे गेट एक्शन वार मेन्यू भी ले सकते हैं आप। सबसे पहले यहाँ पे एक्शन वार लिखें, ठीक है, फिर स्मॉल लेटर्स में एक्शन बार, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट हमारे लिए, जो कि हमारे लिए रेफरेंस का काम करेगा, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V1, कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल ACTION। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि कैपिटल एक्शन बार इधर भी लिखा है तो आगे भी एक्शन बार लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। अब उसके बाद गेट सपोर्ट एक्शन बार, जस्ट आपको ये लिख देना है। इससे क्या होगा, जो भी आपका एक्शन बार होगा वो उसका सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और किस को मिलेगा ये सपोर्ट, ही मिलेगा इस ऑब्जेक्ट को जो कि है हमारा एक्शन, जो कि ये पूरा बन के रेफरेंस वेरिएबल हमारे लिए बन जाता है। तो इस रेफरेंस को, इसका रेफरेंस लेके हम इसको हाइड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जी हाँ, हाइड हो गया, अब हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी हमें ये जोमेटो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट जो हमारा सोल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये वीडियो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये वीडियो बेसिकली किस चीज़ के लिए बनी है, ये बनी है जोमेटो एप्लीकेशन के ऊपर। तो जोमेटो एप्लीकेशन में क्या कुछ आ जाता है, जोमेटो एप्लीकेशन में प्रोमो कोड आ जाते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू जोमेटो एप्लीकेशन हमारी इस वीडियो में कवर होगा। लेकिन आज जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मेरा कंटेंट में कुछ ना कुछ प्लस होता है, तो वो क्या प्लस है आज मैं आपको बताऊंगा, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के बारे में। जिस जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा कि एंड्रॉयड में एपीआई का एक्सेस बहुत लिया जाता है, लोग सोचते हैं कि हाँ भाई जेसन पार्सिंग जिसे आते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट जिसे पता है, जेसन एरे जिसे पता है, उसे एंड्रॉयड आ जाती है, उसे मतलब कि 100% एंड्रॉयड आती आती है। तो इस करके मैंने ये जो टॉपिक है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग इंटरफेस इस वीडियो में, जो कि पार्ट 2 है, मुझे पता है काफ़ी लोग बोर होके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखेंगे खुश होके, तो इस करके मैंने ये प्लस पॉइंट इस वीडियो में डाला है क्योंकि पार्ट 2 है, तो इसको थोड़ा गौर से लोग देखें और अगला पार्ट कभी भी मिस ना करें जब मेरे आएंगे, ठीक है। तो इसलिए कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट यहाँ पे डालता ही जाऊँगा। अब एपीआई को कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली एपीआई क्रिएट करने के लिए आपको होस्टिंगर में होस्टिंग होनी ज़रूरी है, उसमें PHP एडमिन जो हमें फ्री मिल जाता है। अगर आपके पास होस्टिंग के लिए पैसे नहीं, आप जैम्प सॉफ्टवेयर का हेल्प ले सकते हैं। जैम्प में आप लिखना जैम्प PHP एडमिन कुछ लिख देना, आप जस्ट डाउनलोड कर लेना उसे, और जैसे जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा आपको वैसे कर लेना है। अब सिंपली मेरी होस्टिंग मैंने यहाँ पे ले रखी है होस्टिंगर में, तो मैं इसे लॉगिन करता हूँ। सिंपली लॉगिन करने के बाद मेरे पास सारा जो एक्सेस है वो मुझे मिल जाएगा, तो मैं इस यहाँ पे इंडियन सर्वर के साथ जाना पसंद करूँगा। सो मेरा एच पैनल जो है होस्टिंगर का वो अच्छी तरह से लॉगिन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मैनेज पे ऊपर जाऊँगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये मेरी मेन साइट है जो कि है androidtask.com। मेरी ऐसी काफ़ी सारी साइट्स यहाँ पे बन रखी है होस्टिंगर में, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक और साइट ऐड करी हुई है neogan-blogging.xyz। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा अभी, अब जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फाइल मैनेजर के ऊपर, ठीक है, फाइल मैनेजर के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा PHP में कोड करके आप उसे जेसन में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पब्लिक HTML में, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा एंड्रॉयड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जोमेटो ऐप, ठीक है।
मैंने इसे जोमेटो ऐप डॉट पी एच पी करके सेव किया, जोमेटो अंडर स्कोर ऐप, अंडर स्कोर रहने देते हैं हम यहाँ पे, कैपिटल ए लिखते हैं और क्रिएट कर देते हैं। सो जोमेटो 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 हमारा यहीं पे कहीं पे सेव हुआ होगा, सो उसका एक्सेस ले लेते हैं हम। जी हाँ, देखिए लास्ट में हमारा जोमेटो ऐप डॉट पी एच पी हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें हमें थोड़ी सी कोडिंग करनी होगी, क्या कुछ करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन मार्क पी एच पी, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एंड देन इसे क्लोज भी कर देंगे हम। चलिए इतना पार्ट हमारा क्लियर हुआ। अब यहाँ पे डॉलर का साइन से हमने स्टार्ट करना है, जिस पे मैं लिखूँगा, जस्ट हम क्या कर रहे हैं अभी, अपनी जेसन यूआरएल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं जोमेटो डिशेस, ठीक है, जोमेटो डिशेस। अब इसको मैं इक्वल टू करके इसका एरर बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं काफ़ी सारी जो डिशेस का नाम है वो लिखूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिश वन, ठीक है। डिश वन कैसे लिखेंगे, हमें हमें लिखना है डबल कोलन के अंदर डिश वन, ठीक है। अब इसको मैं वैल्यू पास कर देता हूँ कि डिश वन हमारी हो सकती है समोसा, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल मैगी, ठीक है। ये डिश नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैगी, ठीक है। और डिश टू में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस तरह से आपको लिखना है जैसे मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है। सो डिश टू में मैं लिखता हूँ यीपी नूडल्स या फिर नूडल्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें अपने कोड को शॉर्ट करने की, ठीक है। मैं इसलिए सोच रहा हूँ, नहीं तो लिखने को तो मैं शाही पनीर भी लिख दूंगा, वो भी लिख दूंगा, ये भी लिख दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं आप ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे माइंड में। मैगी ईपी कितना आसान है देखो, या भी ईपी नूडल, ये सारी चीज़ें आसान है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाक्का नूडल्स, मुँह में पानी आ रहा है, स्विगी में जाएं, अपनी एप्लीकेशन बना के ही जाएं और आसपास के रेस्टोरेंट ऐड कर दो उसमें, और इस तरह से आप उसकी वैराइटीज लिख दो और ऑर्डर का एक्सेस ले लो उनसे, बस इतना आपको काम करना है और आप गुड टू गो होंगे अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। अब यहाँ पे इतना मैं इतना ही ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। अब जस्ट इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से विजिबल हो कि हमने एक्चुअल में किया क्या है, ठीक है। अब आई थिंक सो आपको विजिबल होगा, अगर ऐसे भी नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा और पास कर देता हूँ इस तरह से। वीडियो होप सो वीडियो लंबी होने ही है, क्योंकि इसमें मैं आपको जेसन पार्सिंग प्लस एपीआई एक्सेस कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में लेना वो मैं सिखाऊंगा, तो वीडियो लंबी होनी ही है। तो मन बना के बैठे हैं, अगर नहीं बैठना तो आप किसी और दिन ये वीडियो देख लेना, लेकिन मस्ट मस्ट है कि ये पार्ट जो है ये स्किप मत करें, पार्ट थ्री में तभी जाएं जब भी आप ये वीडियो देख लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे इको, यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जोमेटो डिशेस चाहिए, ठीक है, इको जोमेटो डिशेस। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई हमने किस तरह से अपनी जो एप्लीकेशन है डिज़ाइन करी है। अब यहाँ पे मैंने एक और एपीआई अपनी बना रखी थी जेसन की हेल्प से, पीएचपी टू एपीआई कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ये चीज़ लिखनी पड़ी थी, जैसे देखिए इको स्टूडेंट नेम। अब इसमें क्या चीज़ है, जेसन एनकोडिंग जो हमने अभी स्किप किया, ये मैंने जान के स्किप की ये बात, ताकि जिसे इसके बारे में पता भी हो तो वो बोले हाँ भाई भैया आपने ये चीज़ मिस कर दी, आप ये लिखें। तो इस करके मैंने आपको ये चीज़ दिखाई सबसे पहले कि आपको जेसन एनकोड कभी नहीं भूलना है। ये मैंने क्यों बताया, ताकि प्लस पॉइंट बन गया ना, जस्ट आपको याद रहे हाँ भाई मन अंदर अंदर कि हाँ भाई इसने सेकंड पार्ट में ये बताया था कि जेसन एनकोड एक चीज़ होती है जो कि पीएचपी टू जेसन में फाइल कन्वर्ट करती है। तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेसन एनकोड, सिंपली इतना करने के बाद सेव करूँगा। और इसका यूआरएल कैसे आपको एक्सेस करना है, काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि भाई यूआरएल कैसे बनाएं, तो ये आपको सिंपली दिख रहा है जोमेटो ऐप डॉट पी एच पी, जो नाम आपने लिखा था सिंपली आपको एक्सटेंशन की तरह देखिए मेरी ऐप मेरी साइट है, ठीक है, जोमेटो एंड्रॉयड ऐप डॉट कॉम। अब इस साइट पे आपको सिंपली स्लैश लगाना है और जोमेटो ऐप डॉट पी एच पी लिख देना, आपके पास ये जो डाटा है ये आपके पास आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। देखिए डिश वन हमारी क्या थी, मैगी।
डिश 2 हमारी क्या थी, नूडल्स, एंड डिश 3 हाका नूडल्स। मतलब यहाँ पे नूडल्स की वैरायटीज है, तो इसका ऑब्जेक्ट भी बना सकता था, पर ये हम इसे जेसन ऑब्जेक्ट की तरह लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए जेसन एरे होता है, एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है। जो जेसन ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जो भी इसके अंदर है, जैसे विवेक मेरा नाम है, धीमान मेरी कास्ट, ठीक है, ये सारी, ये इसके अंदर जो चीज़ है ये है एरे, जेसन एरे। और जो इसके इसके अंदर, यानी कि इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। अब जो इसके अंदर है, यानी कि ये जो मैंने स्क्वेयर सा टाइप का आपको ब्रैकेट बना के दिखाई है, इसके अंदर जो भी है जेसन ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली आपको ये बात याद रखनी है, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, नेम नाम के मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसे मैं क्या कहूँगा, पूरा जेसन ऑब्जेक्ट। अब मैंने हमारी साइट में सिर्फ ये चीज़ दिख रही है, सॉरी, ये जो पूरी चीज़ है ये है जेसन एरे। अब जो हमारी इसके अंदर जो चीज़ है ये क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि ये जो चीज़ है ये है जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि भाई किस तरह से हमें अपनी ऐप एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है। और हमने जस्ट एक इंटरफेस तैयार कर लिया, एक यूआरएल तैयार कर लिया, जिसकी हेल्प से हम अपनी जो साइट है उसमें ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाएँ। तो जोमेटो ऐप डॉट पी एच पी को मैं यहाँ पे एक बार कॉपी करता हूँ यूआरएल को, और यहाँ पे नोट पैड में मैं यहाँ पे पेस्ट करके रख लेता हूँ। इन फ्यूचर इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इससे डाटा हमने उठाना है। ठीक है, इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। सो होप सो इसी के हेल्प से हमने लॉगिन प्लस साइन अप क्रिएट करना भी सीखना है, और वो कैसे सीखना है मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर। बस थर्ड पार्ट आने ही वाला है, बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा। जस्ट आप अभी सब्सक्राइब करके रख लें, बेल वाली आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का जो भी है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब सिंपली हम बिना टाइम वेस्ट करें यहाँ पे मैं तो मेन एक्टिविटी है, ठीक है, ये हमारी तो मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल भी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रिंट करवानी है डिशेस। क्या करवानी है, डिशेस प्रिंट करवानी है। ठीक है, अब ये कैसे करवानी है, ये हमने करवानी है इस यूआरएल की हेल्प से, जो कि जेसन यूआरएल है हमारा एक तरह का। ठीक है, तो इसका एक्सेस हमारी एप्लीकेशन के अंदर लाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको लिस्ट व्यू में डिशेस का नाम दिखाना है। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट व्यू तैयार कर लेते हैं, लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू को हम मैच पेरेंट प्लस मैच पेरेंट लेके चलते हैं। एंड देन इसकी आईडी हम ले लेते हैं LSLV ले लेते हैं, लिस्ट व्यू। ओके, अब ये हमारी जो जो भी ये हमारा व्यू है ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, देखिए ये पूरा कवर कर रहा है, ये वेलकम टू जोमेटो को भी कवर कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी सबसे पहले एक हाइट जो है हम थोड़ी 475 dB तक ले जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका मार्जिन ले लेते हैं टॉप से 44, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60 समथिंग, 65 ठीक रहेगा आई थिंक। सो 70 ले लेते हैं, चलिए यस। सो इसको हम लेके चलते हैं 70 dp। तो वी आर नाउ गुड टू गो। और हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, लिस्ट व्यू के अंदर अपना ये जो डाटा है, जो डिशीज वगैरह है, जो भी है वो सारी प्रिंट करवा देंगे विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब हमारी यूआरएल क्या था, जोमेटो ऐप डॉट पी एच पी। अब ये जो डिशीज हैं ये हमें प्रिंट करवानी है लिस्ट व्यू में। तो अगर आप खुद ही सोचें आप कैसे प्रिंट करवाएंगे, एक बार आप वीडियो पॉज करें, दिमाग लगाएं और सोचें कि हम कैसे API का एक्सेस लेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। आपने API सेतु के बारे में सुना होगा, उसका एक्सेस भी हम ले सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो शायद बना रखी है एक दो, इसका जो हम एक्सेस है वो ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे काफ़ी सारी API जो है हमें प्रोवाइड करी गई है इसके API सेतु के द्वारा। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी उसी पे फोकस करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो मेन के अंदर हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट पास करनी है। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो डाटा चाहिए तो हमें उससे पहले सबसे पहले सर्वर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अब हमें इतना तो पता होना चाहिए कि जब भी हम API का एक्सेस लेते हैं या तो उसे हम गेट करेंगे या फिर पोस्ट करेंगे। पोस्ट का मतलब क्या है, अपडेट करना, कुछ चीज़ अपडेट कर रहे हैं हम। अब
गेट का मतलब क्या है, कुछ चीज़ फैच करनी। तो हम इस जस्ट अभी इस वीडियो में फैचिंग सीखेंगे, पोस्ट के बारे में भी हम सीखेंगे जो साइन अप साइन इन में हम करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जस्ट ये पार्ट टू है। आपको प्लस पॉइंट तो मैंने बता ही दिया क्या है, API की हेल्प से हमें कैसे इंटीग्रेट करना है अपनी एप्लीकेशन में, और वही चीज़ हम आज सीखेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी करेंगे, सॉरी इसको कैंसिल करते हैं, कंट्रोल प्लस पी करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहले इंट मेथड आ सकता है, फिर स्ट्रिंग URL आएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी के लिए मैं यहाँ पे एक URL पास करूँगा, URL कोमा URL, और यहाँ पे मेन एक्टिविटी कोड दिस से, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब ये URL क्या चीज़ है भाई, इसको पहले डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए क्लासेस में इसको URL इक्वल टू स्ट्रिंग URL, सॉरी स्ट्रिंग URL इक्वल, अब कौन सा URL यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, दिमाग लगाओ, हम करेंगे ये वाला URL पेस्ट जो हमने अभी आपको क्रिएट करके बताया कि कैसे क्रिएट करना है। मैं किसी ने नहीं बता रखा है इतना, जैसे मैं डीपली चल जा रहा हूँ ना, बोलने के ढंग पे नहीं, आप ब्रेन के ढंग पे जाए, हाँ भाई आप कैसे सीखना चाहते हैं मेरे से, कैसे कुछ कुछ गेन करना चाहते हैं, जस्ट इसलिए मैं इसी पर्पज़ के ऊपर ही वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोमा लगा के और क्या चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑन रिस्पॉन्स या फिर न्यू ऑन या फिर रिस्पॉन्स लिसनर लगाएंगे। अब इसके अंदर हमें हमारे पास एक तो लिसनर आ गया और एक एरर लिसनर भी होता है, सो यहाँ पे कोमा लगा के न्यू रिस्पॉन्स एरर लिसनर, ठीक है। सिंपली मैंने एंटर मारा है, इतना लिखने के बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है खुद से, डर जाएंगे भाई ये क्या आ गया, जस्ट आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। अभी हमारी कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे एरर क्या बता रही है कि भाई हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड इंट, सो इसे मैं अभी के लिए हटाता हूँ, कंट्रोल पी करते हैं, स्ट्रिंग URL, ओके इंट मेथड, सो यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ, मेथड का नाम क्या दें हम, रिस्पॉन्स, सो आई थिंक सो यहाँ पे हमें कुछ और लिखना है, आई थिंक सो आई स्किप समथिंग। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट करी, किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, एरर लिसनर के लिए हमने बिल्कुल ठीक से कर लिया, URL भी हमने एक्सेस ले लिया, और यहाँ पे मेन एक्टिविटी ही आना है, सो आई थिंक सो यही आना चाहिए, और क्या, ऑल्ट प्लस एंटर करके देखते हैं। सो यहाँ पे मेथड पास किया हमने, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार चेकिंग करता हूँ, फिर मैं बैक टू गो आता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बोल के भी भूल गया, देखिए क्या बड़ी बात है, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट करनी थी गेट रिपोजिटरी, या फिर उसे आप कह सकते हैं गेट का जो हमें यूज़ करना था यहाँ पे। तो कैसे करना है, हमें यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट, सिंपली बस हमें गेट करनी है ना कुछ चीज़, तो गेट करने के लिए ही रिक्वेस्ट मेथड हमें लगाना है। अब इसके अंदर हमें क्या रिस्पॉन्स चाहिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली, लाइक फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक टोस्ट प्रिंट कर देते हैं रिस्पॉन्स का, ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है इसको हम काटेंगे, कट करेंगे, यहाँ पे हम अंदर रिस्पॉन्स लिख देंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स लिखने के बाद अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, कि हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखा, हमें रिस्पॉन्स गेट हो गया, लेकिन हमें ये चीज़ लिस्ट व्यू में चाहिए, ठीक है, लिस्ट व्यू में चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, बार्ली क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, सेट डाटा ऑन लिस्ट व्यू, कुछ भी आप ले सकते हैं, ये तो हमें जस्ट इसके अंदर रिस्पॉन्स गेट करना होता है, और इसके इसके लिए हमें यहाँ पे इसका जो मेथड है वो क्रिएट कर देना है, सेट मेथड मेन एक्टिविटी, ये हमारा मेथड बन गया। अब हमें ऑन एरर में, एरर जब एरर आए तो क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट नहीं होना चाहिए, वो हमें अभी डिसाइड करना है। सिंपली जब एरर आएगा तो एरर ही हमें दिखना चाहिए कि एरर आया है,
तो गेट लोकलाइज्ड मैसेज, बस इतना आपको लिख देना है कि जब वो कोई एरर आएगा वो जस्ट मैसेज ट्रांसफ़र कर दे कि आपका जो ये एरर है आपको ये सॉल्व करना है, जस्ट फिर आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, ऐसा कुछ आप समझें। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा मैं इस चीज़ में, ये जस्ट एडवांस एडवांस फॉर्म है एंड्रॉयड की, तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता। ये जो मैंने चीज़ कर रहा हूँ ये एक तरह की ट्राई कैच ही है, इसको अभी मैं आपको ट्राई कैच में कन्वर्ट करना दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। अब मैं आता हूँ अपने यूआरएल में, ये हमारा यूआरएल है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये है जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वेयर टाइप ब्रैकेट लगी होती तो वो क्या होता है, जेसन एरे हो जाता। अब जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा यहाँ पे, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा जेसन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है हमने। जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर क्या आना चाहिए, इसके अंदर हमें स्ट्रिंग की रिक्वेस्ट आनी चाहिए आई थिंक सो, या फिर हम यहाँ पे रिस्पॉन्स ही गेट कर लेते हैं एक बार और इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जेसन ऑब्जेक्ट के ऊपर एरर क्यों आया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको आपको पहले ही बोला था कि ट्राई एंड कैच मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो सिंपली यहाँ पे सराउंड विद ट्राई कैच, देखिए हमारा जो जेसन है वो किसके साथ सराउंड हो गया, ट्राई एंड कैच मेथड के साथ हमारा जेसन जो है वो सराउंड हो चुका है। सो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखना है जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग चाहिए हमें वो हमें यहाँ से पता लगेगी, हमें चाहिए डिश वन, ठीक है, डिश टू, फिर डिश थ्री, ठीक है। सो डिश वन, डिश टू, डिश थ्री, अब मैं आपको बता देता हूँ एपीआई या फिर जेसन ये जो आप देख रहे हैं इसका बनाने का फ़ायदा क्या होता है, कि इसे हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं और हमें अपनी एप्लीकेशन में कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हमें अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो चीज़ चेंज हम यहाँ पे करेंगे वो हमारी यहाँ पे आके भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिश वन, इसके अंदर आएगी डिश वन जो है, फॉर एग्जाम्पल डिश वन का नेम यहाँ पे आ गया। अब एक और जेसन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, टोटल 3 जेसन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं, सो गेट स्ट्रिंग और इसके अंदर नेम आ जाएगा डिश वन की जगह टू, सिमिलरली जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, अब इसके अंदर फिर से नेम आ जाएगा जो नेम है डिश थ्री, अब इसे हम क्लोज कर देते हैं सेमी कोलन लगा के। चलिए इतनी इतना काम तो हमारा हो गया कि हमारे पास जो जेसन ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेस आ चुका है। किसके कारण ये एक्सेस आया, ये आया इंटरनेट के कारण, इंटरनेट होगा तभी आपका यूआरएल वो सर्च हो पाएगा ना, ये जो सर्च मैं कर रहा हूँ ये इंटरनेट है तभी तो ये सर्च हो पा रहा है ना, जस्ट आपको इंटरनेट की परमिशन दे देनी है। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे कहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, अब यहाँ पे हमें लिस्ट व्यू का काम जो था वो चाहिए था, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन बंद कर देता हूँ, लिस्ट व्यू का काम चाहिए था, तो लिस्ट व्यू का काम कैसे होगा, एरे लिस्ट के द्वारा। सो एरे लिस्ट को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है, एरे लिस्ट जो कि होगी स्ट्रिंग की फॉर्म में, और इसका नाम हम ले लेते हैं AL इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, अब इसके अंदर हम लिख देते हैं स्ट्रिंग, सॉरी इसके अंदर नहीं, यस इसके अंदर ही हमें लिख देना है स्ट्रिंग, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर लिखते हैं। ओके, हमारा जो है ये हो चुका है, अब हमें इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डालने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल AL.add क्या डालेंगे हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमें डालना है, यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसका रेफरेंस हम देंगे अभी, लाइक फॉर एग्जांपल नेम वन, ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरे को ऑब्जेक्ट बना के इसका रेफरेंस दे देते हैं नेम टू, सिमिलरली ऑन द सेम वे नेम थ्री। अब इसको हम ऐड करते हैं नेम वन के साथ AL.add, क्या ऐड करना चाहते हैं नेम टू,
ये मैं कैसे करवा रहा हूँ, ये आपको भी ऐसे ही करना है। इससे क्या होता है, आसानी होती है कोड में और जल्दी हो जाता है कोड। हमारा एरे अडैप्टर लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इतना तो हमें जो है, हमने ये जो वैल्यूज़ है इसको हमने अभी यहाँ पे शो कर दिया। इसके ऊपर लिस्ट भी आपको अभी दिखेगी नहीं, जैसे एप्लीकेशन रन करूँगा आपको यहाँ पे लिस्ट भी दिखेगी। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिमिलर वे में जो एरे अडैप्टर वो पास करता हूँ, एरे अडैप्टर इक्वल टू न्यू एरे अडैप्टर। अब इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, इसके अंदर आएगा कॉन्टेक्स्ट, यानी कि मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, हमारे पास आएगा लेआउट। अब वो कैसे आएगा, सो यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ क्यों हमने लिखा ये। जब भी हमने लिस्ट व्यू में कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आर डॉट लेआउट जो है वो लगाना ज़रूरी होता है। तो सिंपली हमने इसलिए यहाँ पे आर डॉट लेआउट लगाया, और यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगेगी जो कि सिंपल एक्सटेंडेबल लिस्ट आइटम वन। ठीक है, अब यहाँ पे कोमा दे के यहाँ पे ए एल लिखूँगा। सो वाई आई डिड दिस, जस्ट बिकॉज कि हमने जो ए एल जो हमने यहाँ पे अभी वैल्यू पास करी, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ए एल डॉट एड नेम वन की जो वैल्यू है वो है डिश वन। अब डिश वन क्या चीज़ है, वो है मैगी। अब ये कैसे हमारा जो कंप्यूटर समझेगा, ये समझेगा इसके थ्रू जो कि मैंने अभी जेसन ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू। ठीक है, अब ये जो जेसन ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ये इस साइट के थ्रू इसका रेफरेंस गया है। तो सिंपली हम यहाँ पे अभी एरे अडैप्टर, हम एरे अडैप्टर की बात कर रहे थे, तो एरे अडैप्टर में हमने अभी यहाँ पे आईडी दी थी एरे अडैप्टर की, क्या दी थी अभी देख लेते हैं। सो एल वी, ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट एड, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल डॉट एड, कि क्या ऐड करना चाहते हैं, हम ऐड करना चाहते हैं एरे अडैप्टर इसके अंदर। इसकी जगह हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं गेट। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो एक्सेस है ये आ जाएगा एरे अडैप्टर का विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अभी हमें लिस्ट व्यू में ये चीज़ ऐड करनी थी, मैंने ऊपर देखा नहीं कि यहाँ पे ए एल था, तो ये थी एरे अडैप्टर के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपली एल वी में इसे कन्वर्ट कर देना है लिस्ट व्यू में। अगर ये एरर शो करता है तो आपको सिंपली क्या करना है, इसे सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट ए एल के थ्रू ही इसे एक्सेस लेना है। और चलिए, सो गाइस यहाँ पे हमने बिल्कुल ठीक किया है, विदाउट एनी एरर, कोई भी एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। जस्ट अभी हमें यहाँ पे पब्लिकली यहाँ पे बताया नहीं था कि लिस्ट व्यू को एक्सेस भी हमने लेना है, तो पब्लिकली यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो लिस्ट व्यू की आईडी हमने दी थी एल वी, तो सिंपली यहाँ पे मैंने एल वी यहाँ पे लिस्ट व्यू की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू थी वो लिख दी। अब यहाँ पे इसे इनिशियलाइज भी करना होगा। सो लिस्ट व्यू इज इक्वल टू, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एल वी आई डी ली थी, तो यहाँ पे सिंपली एल वी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आई डी करके इसे इनिशियलाइज करते हैं, आर डॉट आई डी डॉट एल वी। अभी हमारा जो एरर है ये मिट जाएगा, आई होप सो, यस। सो यहाँ पे हमारा एल वी डॉट सेट अडेप्टर करूँगा, और यहाँ पे एरे अडेप्टर को इस पर सेट कर दूंगा। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो गुड टू गो हो चुकी है, अब बिल्कुल एरर फ्री है, और यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है रन हो जाएगी। अब मैं इसे एक बार बिल्ड करता हूँ, ताकि कोई भी इसे बैकअप में कोई एरर रह गया हो तो वो दिख जाएगा हमें।